नरेंद्र मोदी वैसे बड़े जबरदस्त डिप्लोमेट हैं अगर देखा जाए। इंडिया डैम बना रहा है जरा वो, मतलब उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है, वो तो लड़ाई का खदशा है ताड़ साहब। लेकिन एक सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाकर ये पानी के ऊपर झगड़ा होगा। बिल्कुल इस वक्त रशिया अफोर्ड नहीं कर पाता कि चाइना और भारत जो है आमने सामने आए। मोदी जी ने साबित किया अपनी स्टेट्समैनशिप। बहरहाल ये विजिट बहुत ही बड़ा विजिट था। वेस्टर्न मीडिया तो जाहिर है उनको तो एक बहाना चाहिए होता है कि मोदी के खिलाफ जरा सी बात आए, मगर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी सक्सेस है और भारत की भी सक्सेस है वहां आने के लिए, क्योंकि नेटो में आज भी ये जो बातें आज वो करके गए हैं साउथ चाइना की, उसके ऊपर अल्टीमेटली चाइना और रशिया भी दे आर वॉचिंग इट। मोदी साहब के कपड़े देखकर हिंदी में सारी उन्होंने बातें की, उसके साथ सारी स्पीचें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदी में दी उधर। आप मुझे ये बताएं, हमारे शहबाज शरीफ साहब के कपड़े देखे आप? इंडिया डैम बना रहा है जरा वो, मतलब उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है, वो तो लड़ाई का खदशा है ताड़ साहब कि वो डैम बना रहे हैं। सबसे बड़ा अपना भारत का प्रोग्राम ये था कि 12 डैम बनाए जाए $1 बिलियन लगा के इसी इन्हीं दरियाओं पे, जिसको ब्रह्मपुत्र जो दरिया कहा जाता है, भारत ही उसका नाम ब्रह्मपुत्र है, तो उस पे दरिया बनाना चाह रहे थे 12। इंडिया बनाना चाह रहा था, लेकिन एक सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाकर ये पानी के ऊपर झगड़ा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जाती तौर पे जो मैंने कल आपको अर्ज किया था, जो बट आई एम स्मेलिंग आउट ऑफ इट कि रशिया विल इंटरवीन इन इट, रशिया विल ब्रिंग बोथ चाइना एंड इंडिया ऑन द टेबल मेरे ख्याल में, और दे विल प्ले अ की रोल। बिल्कुल इस वक्त रशिया अफोर्ड नहीं कर पाता कि चाइना और भारत जो है आमने सामने आए और उसके बाद वहां पे कोई और एक्सक्यूज किसी को मिले वहां आने के लिए, क्योंकि नेटो में आज भी ये जो बातें आज वो करके गए हैं साउथ चाइना की, उसके ऊपर अल्टीमेटली चाइना और रशिया भी दे आर वॉचिंग इट। तो मेरे ख्याल में इसको इंटरवीन वो करेंगे, लेकिन इट्स एन इशू, इट्स एन बिग इशू। इस वक्त 10% जो बिजली है भारत की वो हाइड्रो पावर पे बन रही है, और उसका बड़ी जल्दी आगे इफ्तिता भी करना चाह रहे थे, बजट में भी उन्होंने अपने पैसे रखे हैं भारत में। दैट्स अ बिग कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर, मैटर ऑफ फैक्ट नीड टू बी रिजॉल्व। मोदी जी अपने अच्छे दोस्त व्लादिमीर पुतिन को उनके साथ प्रेस में कहा कि जनाब ये जो जंग है बैटलफील्ड में इश्यूज हल नहीं होते। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि बच्चों की जो मतलब हलाकत होती है उससे दिल खून के आंसू होता है। अब मोदी जी की सक्सेस देखिए, एक तरफ उनको जो हाई अवार्ड मिल रहा है, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन को वो प्यार से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में समझा भी रहे हैं। आप यकीन कीजिए मैं उनकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, चाहे जब वो व्लादिमीर पुतिन की दाचा पे बैठे हुए थे पहले दोस्त, दूसरे रोज जो उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, सॉर्ट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर नहीं थी लेकिन सॉर्ट ऑफ जो थी एक जो दो तरफा स्टेटमेंट का जो मौका था, उन्होंने ये भी बात कह दी। यानी अपने इतने करीबी दोस्त को समझा भी दिया पब्लिकली पूरी दुनिया के कैमरों के सामने, तो इससे बड़ी क्या सक्सेस होगी। अब कितना बड़ा तमाचा है वो ज़ेलेंस्की के मुंह पे कि वो मोदी जी को अपना दुश्मन समझ रहे हैं और मोदी जी उसकी वकालत कर रहे हैं और मोदी जी रशिया के भी खिलाफ नहीं है, ठीक है। हालांकि ये वही ज़ेलेंस्की है जो फलस्तीन में इजरायली बम्बार्डमेंट के नतीजा में मारे जाने वाले बच्चों पे कोई आवाज नहीं उठाता। अच्छा मैं भारत के भी जो हमारे हैं ना बहन भाई, उनको भी प्यार से समझाता चाहता हूँ कि एक तरफ तो वो रूस के बहुत बड़े सपोर्टर है, दूसरी तरफ वो इसराइल के सपोर्टर है। फ्रेंकली मैं भी इसराइल का सपोर्टर हूँ, मैं भी हमास के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन मोदी साहब के कपड़े देखकर हिंदी में सारी उन्होंने बातें की, उसके साथ सारी स्पीचें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदी में दी उधर। आप मुझे ये बताएं, हमारे शहबाज शरीफ साहब के कपड़े देखे आपने, मरियम के कपड़े आपने देखे, अमीर घरों के लोग अब कपड़े भी ना पहने, फिर गरीब लोगों को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हो, धोखा क्यों दे रहे हो कि हम इनके लिए वोट देते हैं ताड़ साहब उनको, ठीक है चलो लो फिर वोट से तुम लोट वोट भी तो पैसे दे के लेते हैं, खरीद के लेते हैं, कौन से वोट खरीद ले। लेकिन चीमा साहब इस तरह दिस इज नॉट हाउ यू आर, ये देखे लीडर क्या होता है। वैसे आपको तो इन्होंने तो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू नहीं किया, लीडर क्या होता है मुझे यहाँ पे, मैंने तो खैर बहुत कुछ सीखा मैंने सारी जिंदगी, पॉलिटिकल वर्कर, सियासत इज अ बिजनेस टू मेक फ्रेंड्स।
फिर इसमें लीडरशिप होती है। लीडर क्या होता है? सियासी लीडर एक चीयर लीडर होता है, उसने आगे होकर लीड करना होता है, कैबिनेट उसके साथ उसकी उसको आगे फॉलो करके मैंडेट डिलीवर करती है उसका। लेकिन यू हैवंट स्टार्टेड द प्रोसेस येट। आप क्योंकि उसकी वजह यह है आपका इनका आप कंफ्यूज हैं। मैंने जिस तरह आपको कई दफा अर्ज किया, पहले तो आपको फिगर आउट करना होगा कि आप हैं कौन। सुबह उठते हैं आप कहते हैं हम अरबी हैं, दोपहर तक आप कहते हैं नहीं हम पर्शियन हैं, शाम तक आप टर्किश बन जाते हैं। आपको तो पता ही नहीं, पता ही नहीं हम हैं कौन है। जिंदा लोगों को जला लेते हैं आप, फिर उनके साथ सेल्फियां बनाते हैं। कोई है दुनिया की ऐसी कौम जो जिंदा जलते इंसान के साथ सेल्फी बनाएगी? कितनी कौमें होंगी इस वक्त दुनिया में? भारतीयों को पूछना चाहिए ज़ेलेंस्की से कि भाई तुम ये फलस्तीनी जो आम बेचारे बच्चे हैं उन पे जो अटैक होता है उसमें तो तुम आवाज नहीं उठाते, लेकिन तुम रूस के वो उठाते हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और जयशंकर ये काम करते हैं, दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर सेंसी पीपल। इसमें फर्क होना चाहिए सर, हमास आम फलस्तीनी के उसमें डिफरेंस होता। मैं समझता हूँ कि हमास उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर भी लेते हैं, सब कुछ है, बदमाशी है, मगर जयशंकर जी मुतद्दद बार कह चुके हैं कि भाई ये जो फलस्तीनी आम आदमी मर रहा है ये नहीं मरना चाहिए। ये जयशंकर साहब कह चुके हैं। तो इससे हमें भारत की जो प्रिंसिपल्ड डेमोक्रेसी और प्रिंसिपल्ड फॉरेन पॉलिसी है वो नजर आती है। ये प्रिंसिपल्ड फॉरेन पॉलिसी वेस्टर्न वर्ल्ड भी नहीं कर रही, ये बहुत डबल स्टैंडर्ड है वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, ज़ेलेंस्की से लेके ये बाइडन तक। लेकिन भारत अपनी प्रिंसिपल डेमोक्रेसी पे खड़ा है, और आप देखिए उस पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सदर पुतिन के सामने बैठ के जो उनको समझाया है, पुतिन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। इससे पता चलता है कि वो भी इस मामले में टॉलरेंट है, बिल्कुल ठीक है। और बड़ा ये विजिट बहुत ही बड़ा विजिट था, वेस्टर्न मीडिया तो जाहिर है उनको तो एक बहाना चाहिए होता है कि मोदी के खिलाफ जरा सी बात आए, मगर हाँ। मोदी जी ने साबित किया अपनी स्टेट्समैनशिप, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं होता, एक एक मतलब एक रिस्पेक्ट होती है भारत और रशिया की, एक रिस्पेक्ट है एक एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ काम है, साझेदारी है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सक्सेसफुली साबित की है। देखिए इसी तरह आप देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अरबों के साथ कितने अच्छे तल्लुकात हैं, इसी तरह इसराइल के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी सक्सेस है और भारत की भी सक्सेस है। यही काम उन्होंने किया है कि वेस्ट का मीडिया जो मर्जी बकता फिरे, वो ऑस्ट्रेलिया में भी गए और मॉस्को भी गए, वंडरफुल उनके ये ट्रिप्स रहे दोनों। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।